वेलकम बैक अगेन। एंड जिस मम्मी को समझा रहे हो, मैं भी जिम जाने लग गया, मेरा फर्स्ट डे उसका डेट हुआ, मेरे एयरपोर्ट्स नहीं ले सकता, मेरे को भी तो चाहिए ना। तो बोलते क्यों नहीं? हाँ उसको भी चाहिए भाई। और मैं, अरे वो ले गया मम्मी, अब कलेश कर देगा नीचे यार। इसके बाद लीड है, अपनी एयरफोन ले जाए। आज मैं भी उठ गई, तो इसका है डे टू, मेरा है डे वन। ये इसको लगा था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कल से ना इसको ऐसे बोलती हूँ कि शिट मेरे से गलती हो गई पैसे दे के। ओहो शरीर टूट रहा है, यही होता है यार, जिसमें जान नहीं होता ना साथ यही होता है। कोई नहीं, कल तेरे को दिखाऊंगा मैं। एयरपोर्ट दे दे विशाल, मैं सही बता रही हूँ। यार तू क्या करेगी विशाल, मेरे को भी तो चाहिए होता है। ये तो गलत चीज है ना कि तेरे को सारी सुविधाएं चाहिए। इतना पागल है ना, अभी ना जाएगा जिम में जाके स्टार के हेडफोन छीन लेगा। ये ऐसे ही करता है, इसको छीनने की बहुत बुरी आदत है। देखिए इसके जिम में गंदे गाने बजते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ यार। उसको बोल यार ईडीएम चला देगा तेरे लिए। भाई आज है मेरा फर्स्ट डे, वाला गाना सुन के करना है, ठुकरा के मेरा प्यार। हाँ उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है सच में। जोक्स अपार्ट मैं नहीं दूंगी, सॉरी। हमारी पहली राइड, वो प्रॉपर खाना चाहिए बट ये ही खा रहे हैं। और मैं एयरपोर्ट्स नहीं दूंगी, पहले बता रही हूँ, सॉरी। तो आज खुद की प्लेलिस्ट लगा वहाँ पर, आज सब देख फुर्तीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दी तो ईडीएम वाली, क्यों पता उस ऐसे अलमेरे टांगे वाले पे कौन एक्सरसाइज करता है ऐसे गानों पे। फर्स्ट डे और मैं अपना पहले वेट चेक करूंगी, शूज पहन के, चलो पहन के कर देती हूं, थोड़ा अंदाजा तो आएगा। कितना है मेरा? 50, 49 समथिंग है, मेरा जिम में मेरा वर्कआउट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और मैंने वहाँ पर ना ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना मेरे को बहुत मतलब पर्सनल ट्रेनर थे ना, उनके सामने थोड़ा अजीब लग रहा था फर्स्ट टाइम की। अच्छा वो भी सोचेंगे आप पहले दिन आइए, कैमरा होकर शुरू हो गई, तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। अभी धीरे धीरे थोड़ा जब मैं इस इन्वायरमेंट में जैसे घुल मिल जाऊँगी ना, तब मैं यहाँ पर थोड़ी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। बट अब आज मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, और मेरा अच्छे से हुआ है, और बहुत अच्छे से ट्रेन करा है, मेरे को अच्छे से समझाया कि कैसे करना एक्सरसाइज। आज थोड़ी हुई है, लाइक 40 मिनट्स कुछ का था वर्कआउट वगैरह पूरा, कल से देखेंगे। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ विशाल के जिम में, क्योंकि उनका वर्कआउट चल ही रहा था, उसके पास चलते रहते क्या कर रहा है वो। क्या हो रहा है बेचारे के साथ? क्यों नहीं बन गई? क्या हो गया? कमर टूट गई इसकी। हैं? हाँ हाँ। देखा मैंने कहा था ना? टूटा मुड़ गया था। इसके मैंने ऐसे हाथ छुटका दिए। ऐसे देखो। मेरा आज फर्स्ट डे था, उन्होंने वर्कआउट करा सब करवा दिया, पर्सनल ट्रेनर था मेरा एक। भाई मैं यहाँ जिम में जाती हूँ, हमारी तरह नहीं। यार तुम्हारा मैंने पूछा करके फिर यहाँ जिम करने आता है। तुम आज गए थे? वो आशिमा को जानते, तुम्हें ही जानते। हाँ वो तेरे बीएमआई में है? बीएमआई में कल होगा मेरा बीएमआई। आज नहीं करा, खाली पेट करना होता है ना। मैंने खाया रखा था, केला खा के गई थी। आईफोन में डाउनलोड दिखा दो। तारे जिम मुझे देखो देखो, बस जरा टट्टी आ रही है। सच में तो लग रहा है टट्टी आ रही है। ये साथ में लोग डराने के लिए ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है ये? क्या काव्स? ये जिम कर गए हो? ये काव्स की एक्सरसाइज हो गया सर। अच्छा देखो बता दो उसको। हाँ ये हटा, एक मिनट क्या पैर अंदर करो, अंदर तो नहीं 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 ये बस। हाँ बस ठीक है, अब इसे उठाओ पैर से, उठाओ पैर से उठाओ ना बस। चलो ऐसे नहीं, पैर पूरा नीचे ले जाओ, फिर ऊपर लाओ, फिर नीचे ले जाओ। अब पता चला मेरा मुंह क्यों बन रहा था।
वो तो है भाई। आप तो ऐसे कर दो, ऐसे पोजिंग करो पीछे जाके, पोजिंग करो। ये ना जान के ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनकी खत्म हो चुकी है जिम। ये फालतू में कर रहे हैं ना, फालतू कर रहे हैं ना जान के। अरे पेट तो बात अब अंदर नहीं होगा, उसको देखो मेरे एयरपॉड्स ले लिए था जिसने, छीन लिए थे। हैं तेरे ही चैनल है आयुष, हाँ करके दिखा। अरे मोनू लटक के दिखाओ, ये मोनू तू कर लेगा विशाल जैसे। मेरे को लग रहा है मोनू ही कर सकता है। ये आगे क्यों जा रहा है, ऊपर जाओ आगे मत जाओ, है ना नहीं कर पाया ना कोई तक यहाँ पर, सिर्फ मोनू ही कर पाया है। नहीं विशाल भी कर लेगा, वो देखो करो करो यार, तुम तो कर ही लोगे, तुम तो ट्रेनर हो। नाम ही पहली बार, क्या बात है। ओहो ये, अरे वो करो फुटस्टेप रखते हैं ना, पैर ऐसे ऐसे रखते हैं, तो अब कर लूँ ना। हाँ तो अच्छा लग रहा है ना, तू कर, हंस रहा है, कर नहीं रहा। विशाल विशाल तू कर, नहीं तू कर लेगा, मोनू तो एक सेम साइज के ही हो। ये देखो ये देखो इस मोनू यार, तू वैसा ऊपर रह जाएगा। तेरे को पता है छोटी हाइट और बड़ी हाइट में ना बहुत फर्क होता है जिम में, क्यों छोटे बंदों की जल्दी बन जाती है बॉडी, हैं लंबे बंदों की नहीं बनती तेरी जल्दी बन जाएगी। नहीं तुम्हारी तो मेरी से ज्यादा तुम्हारी बनेगी। हां तो इसकी तंदूरी है, घंटा पेट तो ऐसे ही थुलथुला सा पेट ही मार रहा है। मैं पेट पे भी मेहनत नहीं कर रहा ना। अच्छा एक बात, जिसका पेट नहीं उसकी बॉडी, वो मोनू बॉडी वाला है, बन जाएगी इसी जल्दी देखना। इसका भी पेट नहीं है, ये बॉडी है, इसकी पेट है, पेट है, पेट है, पेट है, बहुत है। ओ बाप रे एब्स आ रहे हैं यार, क्या बात है, दो दिन में तूने कमाल उठा रखा है। ठीक है सुनो, क्या है ये ओ सर्विस ने पता क्या बोला, कहते ईशा को एक महीने का वादा करके आयो ना कि एक महीने बॉडी बनाऊंगा। अरे ये सुन, अरे एप्पल की कब लिए तुमने, ये अभी लगाया है ठीक है। अच्छा ये बता हर्षित खट्टो चल, इसकी बॉडी में है पेट उसका बहुत है, पेट से भी ज्यादा बाहर निकला हुआ है। हां एक बार कैमरा ऑफ कर अभी दिखा देगा, खट्टो से मेरा पेट बाहर है, तुम धोखा दे रहे थे, वो दिखा देगा। मैं तुम्हें गोल्ड जिम बोल रही थी, ट्रेनर दोस्त है मेरा, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, मतलब ये तो पैसे भरता है जिम कर रहा, उसकी बॉडी है। मैंने उनको बोला कि वो ट्रेनर है, कहते कौन ट्रेनर है, मैंने कहा नहीं नहीं वो कहीं और ट्रेन करता है, यहाँ नहीं करता। वो दूसरे की जिम में फ्री में आता है, यहाँ पर पैसे चलाते बिना ट्रेन करे। यार चलो भाई डाइट लेनी है मेरे को, दे दे तुम्हें नाम भी पता है यहाँ पे मशीनों के। मैंने पता कौन कौन सा करा, पुली एंड आर्म एक्सटेंशन, चेस्ट पुलर एंड बैक एक्सटेंशन। नहीं 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 दो दो सेट मारे हैं, तुम पागल हो गए, दो दो कराया कसम से, करके दिखाएगा, कर 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 ध्यान से भाई, हड्डी पट्टी ना टूटे तेरी, कर 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 कर, वाह ये मैंने ऐसे सब कुछ कर लिया है, धीरे धीरे चार दबाइए फिर छह फिर आठ फिर दस फिर बारह। अरे मैं कर चुकी हूँ कार्डियो, तो फिर भी लास्ट में कर लेना चाहिए स्ट्रेचिंग, मतलब बॉडी से। अच्छा ये सही है, जिम से उतरती है भंडारा हो रहा है, ये सब जा रहे हैं सब्वे और ग्रीन चिप चौक में जा रहा हूँ भंडारा खाने डाइट। मैंने मिल लिया उनसे कल। और स्टीम बाथ कहाँ है, स्टीम बाथ तो अंदर देसी लैटरिंग है ना वहाँ पे, क्या है देसी लैटरिंग पहले तो ऊपर है जी, पहले और छोड़ दिया ये तो वो काट खाना है नहीं हमारे जिम बनते हैं नहीं जिम से कुछ फर्क नहीं है किसको तुमको नहीं अभी तीन दिन हुआ कुछ फर्क नहीं है वेट बढ़ गया तीन दिन में कितना बड़ा 7 किलो 60 किलो क्या बकवास कर रही है क्या बोल रहा है मोनू तुम्हारा भाई कि मेरा तीन दिन में वेट बढ़ गया 60 किलो 60 किलो कैसे बढ़ सकता है यार वेट किसी का
7 कीजिए बढ़िया। अरे गांव में रेटिंग मशीन खराब है, कुछ भी दिखाते रहो। एक बार यहां टेक लेना ना। क्या ये सब इसकी स्कूटी है? अच्छा ठीक है। देखो ये बर्बाद कर देगा, इसकी बॉडी खराब कर देगा। ये पागल है, ये इसकी मत सुना। इसे खुद कुछ नहीं आता, ये इसको कुछ नहीं। करेटे में एडिंग डलवा दिया, पेट लेके आ जाएगा और सबको पेट ही देते रहेगा। पर ये अपनी स्कूटी की चाबी दी उसको, क्यों ये फ्लैट के नीचे लगा देगा? मेरे को नहीं देनी। चुप जाएंगे ना। अरे ठीक है, अरे फ्लैट नहीं लगाने। ठीक है, इसका कल परसों 40 किलो था, आज 50 हो गया। कैसे हो सकते हैं यार? तीन दिन में मेरा तो 20 केजी हो गया। तेरा कितना है? मेरा घट गया, मेरा 49 केजी है। 49 मेरा 66.5 था रेट तो, अब मेरा 69 हो गया। 6 बढ़ गया, 69। तुम तो कटाना है ना, थोड़ा निकालना। कहाँ निकालूं? केयरलेस इंसान है यार ये। अपना जिम वाला बैग जो है वो अपना ग्रीन चिक चॉप में छोड़ा है, और जिसमें मेरे एयरपॉड्स भी हैं। ये कोई भूलने वाली चीज थोड़ी होती है विशाल यार, बच्चा थोड़ी है तू। अब कोई लग रहा है स्टार को कर जल्दी से भाई। इसने कहा था कि अरे मेरा जिम बैग पड़ा होगा वहां पे, ग्रीन चिप चॉप में भूल गया है मैं जल्दी से। चेक कर ले एयरपोर्ट है ना उसमें। तू भी शेखर भूल गया था? चेक कर जो है एयरपोर्ट पड़े होंगे, चेक करियो एक बार। लगा रहे कितना खर्चा बैठेगा जिम का? ये 150 रुपए के वैसे में, और ये दोनों मिला के 150 का। तो दिन 150 का डेली कितना हो गया? 150 × 30 करो। तुम 10 दिन ही जाते हो जिम महीने में? तू हिसाब से देखो ना, चेक करो कितना है। 4500 रुपए। इंग्लिश 4500। खाना भी छोड़ देगा क्या? नहीं 4500 सही लग रहा है, पोस्ट में पर जरूरी नहीं कि तुम्हें डेली बाहर से डाइट लेना, तुम घर में भी कर सकते हो। अननेसेसरी ना ये वेस्टेज है। आलू दही तो तुम वो अपने टोफू को मंडे और ट्यूसडे तुम खा सकते हो। नहीं खाना वेज वाले, वेज की डाइट पे भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। मैं आ गई, हट जिम करके आ गई है। फर्स्ट डे बढ़िया था, और इतना लंबा जिम तो मैं कहीं नहीं देखा। बैठ जाते हैं ना इसलिए लेट हो जाते हैं। कल से टाइम पे ही करेंगे कुछ ना कुछ। बात का जवाब दो जो सच्चाई है, ज्यादा पैसे हैं? जिम पे भी खर्चो, बाहर के खाने पे भी खर्चो। कभी कभार चल जाता है, कभी कभार तो तुम्हारा तो रोज ही चलता है। मैं तो पहली बार गई हूं। मैंने वो तो कल तो तुझे मजबूरी में आना पड़ा बेटे, सुधर जा तू। क्यों शराफत तेरे को मैं बता रही हूँ, सुधर जा। क्या हो गया तुम्हें? कैसे सुबह सुबह तुम बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? जिम मिस नहीं होगा भाई। तुमने बर्थडे पार्टी कब की है? रात की है। चाहे बर्थडे पार्टी अगर सुबह की भी होती ना, 5 बजे शाम रात में जिम जाएंगे, पर जिम मिस नहीं होगा। सुबह कौन बर्थडे बनाता है? नहीं नहीं तो अभी रात को फिर तुम वापसी कैसे आओगे? उसके बर्थडे पे जाओगे, केक कटवाएंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, फिर आ जाएंगे उस दिन आधे लेट। फिर अगले दिन जब जिम जाना हो तो रात में कर लेंगे, शाम वाला जिम कर लेंगे। जिम नहीं छूटी, चेंज हो जाएगा फिर। नहीं एक ऐसा नहीं होता कि आपको दिन में ही जिम करना है, आप रात में भी कर सकते अगर आप एक दिन बिजी हो सुबह किसी काम से। तो जिम नहीं छूटेगा। आप ना उस पे देखो यूट्यूब पे, जिम डाइट फॉर माय चिल्ड्रन। सॉरी मेरा काम नहीं है। हम नई नई चीजें बना के खिलाओ। और अब तू कहाँ जा रहा है? आज मैं खा गया पिटाइट बर्गर। पिटाई पिटाइट सैंडविच पिटाई की था ना वो? नहीं पीटा पीटा। आप कहाँ जा रहे हैं? नहाने। कहाँ नहाने? और वीडियो बनाने जा रहा है। बैठेगा नहीं अभी, इसने ढूंढ लिया है। सोऊंगा सिर्फ रात में, उससे पहले बैठूंगा नहीं। तो आप हैं? मैं सोऊंगी। ये तो अभी कह रही कोरियन में देखूंगी ड्रामा अपना। के ड्रामा? अच्छा हाँ क्या बात है, लाइफ यही रह गई है। 24 घंटे कोरियन ड्रामा देखो, घर का ये सोफा आपने वो कर लिया कोरियन ड्रामा के चक्कर में, रात भर जागो, काम पे जाओ। आप भी काम पे जाओ, मेरी बड़ी जॉब है। शूट करो आप भी जाके, खाली बैठे हो इतने दिनों से, कुछ नहीं कर रहे हो, अंदर पड़े पड़े बस। चलोगी जिम आप भी? आप बहुत लेडीज आती है वहाँ पर भी। एक पैर में रॉड है, लेडीज हंसती है वैसे करके, ऐसी हंसती रहती सही में। पहले से सोच के बैठे थे कि जिम जाएंगे तो बॉडी इतनी दुख जाएगी, तो कल हम मसाजर भी लेके आए हैं, बहुत सस्ता सा है, कितने 800 रुपए। लड़ाई ना कर ले यार आपस में। नहीं 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे तो ए मम्मी को चला दे पहले, पहले मम्मी को चला अपने। ये नाराज है बहुत ज्यादा। कौन विशाल? किससे? अरे नहीं इसके मत चला यार, ये पागल है यार, इसके मत चला यार। हां हां ये तो चाहिए होता मुझे। कितना बढ़िया लग रहा है, कुछ हो भी नहीं। अगर ऑफ भी होगा तब भी कहाँ कर रहा है? देखो मम्मी ये दिल में देखो, इसने हर्ट कर रहा है ना, इसको जूम ही होने वाले। बुलाइए अपने पास, तूने खुश कर रहा है ना, वो कर रहा है उसके, वो काट लेगा।
काट लेगा वो। इसको बोलती हूँ ना, आपको इससे बहुत लगाव है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है ये, हैं? इसने, अब आप ध्यान से सुनना, आपको वो है अगर आप जेन्युइन होंगी तो। पूजा पाठ करती हूँ ना, सच बताना, कल मैं गोल्ड टीम की मेंबरशिप ली थी मैंने पूरे साल की, तो मेरे को इसमें 1500 का अमेज़न का वाउचर मिला, मतलब 1500 रुपए ऑफ हो जाएंगे, मैं कुछ भी लूंगी अमेज़न से। सुनो सुनो, हाँ सुन तो, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, सुनो मैं बताऊंगा आपको क्यों करा, ठीक है? तो मेरे को कल से याद था, मैंने सोचा कि रात में आराम से चैन से बैठे करूंगी, और जब मैं उसको क्लेम करने लगी ना वाउचर को, तो लिखा था ऑलरेडी क्लेम हो गया, ठीक है? मैं आज गई गोल्ड जिम, मैंने उन लोगों से भी थोड़ा वो करा, मैंने कहा ये क्या बात होती है, मैंने साल का बोले मेरा वाउचर, कहते वो क्लेम हो गया है। मैंने कहा नहीं, मेरा दोस्त ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैंने कितना ट्रस्ट रखा। और मेरे को लगा ये रात में भूल गई, मैंने कहा उन्होंने वो 24 घंटे में एक्सपायर हो जाता, नहीं होता, उन्होंने मैंने कर लिया यूज, मेरे को लगा ये भूल गई होगी। अगर मैं भूल गई तो मेरे को बता देता कि परी थ्रो कर रहे तो बता दे। हड़बड़ी में क्या ऑर्डर करती थी, इसलिए मैंने कर, अबे ले ले 1500 रुपए पाई, मुझे दे दो, मुझे लेना था सामान। आप करो ऑर्डर, क्या करना, 1500 रुपए मेरे को 1500 रुपए वापस चाहिए, गलत है नहीं है बात? इसको बड़ा शौक है, तेरे भाई जिम में क्यों नहीं मिलता वाउचर, उनसे क्यों नहीं लेता वाउचर, वाउचर हम रहे वहाँ के वाउचर हमें। कि आपने तो कुछ नहीं बोला अभी तक, अब मैं क्या बोलूं, 1500 रुपए खा गया मेरे, तो उसने ले लिया ना सामान में, क्या सुनिए, रात को सो रहा, रात को मेरा पाउचर लूट रहा था यार, सुबह मैंने इतनी लड़ाई कर ली यार, बताओ। मैं पता सो चुका था, मेरे को अचानक से याद आया इसका वाउचर रहता है, मैंने पहले तो फटाफट क्लेम करा उसको। पहली बात, ये मुझसे बात कर रही है उस लेडी से जिसको ये कक्खा कुछ नहीं बताती, क्या मैं 20,000 रुपए, बस ये वो तूने आके बोला आपकी बेटी ने 20,000 पूरे दे दिए, इसने नहीं बोला, तो साल की दी है ना, इनकी तरह महीने महीने दूंगी तब भी मेरे उतने ही पड़ते हैं, ये वैसे भी मुझे कुछ नहीं बताती। हमारे महीने के कितने पड़ रहे हैं, तो कर ले 1200 × 12, और भाई 20,000 मेरा 15 महीने है, 14, 10,000 और 10 दिन एक्स्ट्रा दिए मेरे को, मेरे 4 महीने से स्टार्ट है, फिर मेरे को दिए 1200 × 12 कितना होता है तेरे को बताओ, 14,400 कहाँ सस्ता पड़ गया तेरे को, तेरा 12 महीने का है, 15 महीने कर लियो, अल्ले कर कर, मेरा 13,000 तो मेरा 13,000 अबे 18,000 देखो मम्मी 18,000 रुपए कह रहा है, मेरे को 20,000 में इतनी फैसिलिटी तो मिल रही है, गई। ट्रेनर है, स्टीम बात है, कैफे है, सब कुछ है, लुट गई। अबे चल तेरे को ही पता है वहाँ पर मस्ती कोई करता है तो कुछ नहीं करता, किलसी शकल की बना रही है, फिर तो आज हमारे जिम में आ गई अपने आप और खूब मजे करके गई है, तो हंसी मजाक कर रही थी मैं, टाइम पास हंसी मजाक थोड़ी करें ना, तो मैंने अपनी फिटिंग कर रही हूँ, तो हम तो हंसी मजाक एक्सरसाइज करी मैंने और आ गई इनकी मस्ती कोरी करने, क्या ऐसी मस्ती कोरी करती रहूंगी मैं डेली, कल से बनेगी जिम डाइट। कौन बना रहा है आप? मैं तो नहीं बना रही, मैं तो मैं अवेलेबल ही नहीं, मैं दिख नहीं बंद होगी तुम लोगों को, नहीं दिख रही हो अच्छी खासी बैठी हुई, सामने बैठे हो जाएगी, बता सोनी नगर चल लेते हैं, सोनी नगर भी क्या करेंगे जाके, अब फिर वहीं चल लेते हैं, वहीं कहीं मजनू का टीला, क्यों एमी टाइम पास मस्ती गोरी, तो पागल है यहाँ रखी है चीजें, तो वहाँ चल लेते हैं, हौस खास तो रहन दे मेरा, वो साकेत चल लेते हैं, क्यों एमी मस्ती गोरी मुझे लेके चल मम्मी, चलो मैं आपको लेके चलती हूँ, एमी मस्ती गोरी चला लेके चल। जिम से आने के बाद 3 घंटा आराम करा हमने, एक जगह बैठ के कुछ नहीं आराम करा, वही अगर मैं थोड़ा सोता तो उसे कहते हैं आराम, ऐसे थोड़ी तू बैठ के कुछ काम थोड़ी करा था, तेरी बॉडी एकदम फ्री थी ना आराम से, था तो कुछ नहीं, माइंड फ्री नहीं था बस। और अब भाई हम लोग जा रहे हैं आज बाइक से, हेलमेट कहाँ तेरा, नहीं लेता हेलमेट, रूल्स फॉलो नहीं करता, तेरा कहाँ है, मेरा रखा है बाइक के अंदर, देखो बाइक के अंदर जगह ही नहीं होती, मैंने रखा है बट आपको करना उससे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही अपने घर से थोड़ा सा दूर, आधा घंटा 40 मिनट दूर, कुछ ऐसे ही खाने पीने, बिकॉज बोर हो रहे थे घर पे, है ना, तो आज हेल्दी खाएंगे, इसको बाइक राइड मार लेती मेरे साथ, तेरे साथ मर रही थी ना मैं तो जाने के लिए, तो मर ही थी। अब मैं स्नैप स्टोरी डालूंगी तेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी, चिढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, और यही मैं चाहती हूँ, कमाल लिखा हूँ मैं। हम लोग फाइनली लग रहे हैं फोन होना चाहिए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एंड बहुत मजा आया सर बाइक राइड पे, खूब गप्पे शप्पे खा रहे हैं, जैसे आपको वही लग रहा था बारिश हो जाएगी बट फिर भी बच गए, आज तो बारिश में ठंड लग रही है, कह रहे चाटे में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ठंड है और थोड़ा सा ना छुई मुई सा ये ठंड ज़्यादा जल्दी लग जाती है, जाते हुए तेरे को मेरे को भी लगती है, बट कोई नहीं इंजॉय करो भाई जिंदगी, एक ही एंजॉय कर, हमेशा गाड़ी से आता है वो भी खुश हो जाएगी बाइक से आया है वाले अंकल, तो गए खाने पीने पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें, ओए ये क्या है ऊपर से गिरा, कीड़े लगे इसको, तो कीड़े नहीं लगे, खराब हो रखा है,
पता नहीं तेरे पे ही रहते हैं। चिली गार्लिक खाएगी तो पक्का। सिंगापुरी आऊंगी मैं। सिंगापुरी की खारी चिली गार्लिक खा लेना। मेरे को नहीं खाना, मैं सिंगापुरी सही तो है। अरे अच्छी होती है सिंगापुरी, पनीर होता है सिंगापुरी में। चिली गार्लिक खा ले। ये बड़ा बदतमीज इंसान, जिसको जो खाने वो ही खाएगा। तू खा ले वेज भूटानी मोमोज, पोटैटो चिप रोल, खाटी रोल, चिकन चिकन खा लेता हूँ, पनीर वाला रोल इसमें आ गया अपने में। तो तेरे को नहीं खाना तो मैं क्या करूँ? तो मैं भी चिली गार्लिक खा लू तेरे चक्कर में। चिली गार्लिक खा दू, मैं चिली पोटैटो ले लेता हूँ। मन है तेरा आज खाने का? चिली पोटैटो खा ले। हनी नहीं, हनी तो मीठा होता है। तो नॉर्मल चिली पोटैटो। हाँ उन्हें बोल मीठा बिल्कुल भी, मैं वापस कर दूंगा। सुबह जिम चली गई। कैसे फेंका है वापस तूने इसके लिए? तो हेल्दी है, आलू है तो। तो आलू आलू कोई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मसाले से कुछ उतना होने पड़ता नहीं। और तूने जो चौमिन मंगा रखी है उसका, तूने सब ठीक है, तूने फेंका कैसे? मेरे को तो उस चीज पे हंसी आ रही है। नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे तो ठीक लग रहा है भाई। पर मैं कल से नहीं, एक महीने बाद डाइट फॉलो करूंगी। अभी नहीं, अभी डाइट ही नहीं फॉलो करेगी तू? अभी मैं अपने ढल रही हूं उसमें, ढलना चाहती हूं जिम वाले माहौल में, समझ रहा है? कर दी ना स्टार बॉय वाली बात। अरे मैं नहीं, अपने आप को आदत लगाना चाहती हूं। मैं जा रही हूं ऐसे ही, चलो ठीक है चलते चलते, पर आदत नहीं पड़ेगी आपको जिम करना ही, मिस नहीं करना जिम, समझा? गेटिंग माय पॉइंट। अभी तेरे को भी वो आदत नहीं पड़ी है? नहीं मेरे को तो पड़ गई, करना ही करना है। देखा मैंने तुम्हारा जिम मस्ती कोई चलती है फुल वहाँ पर, कोई बंदा क्या कर रहा है, दो मिनट पहले कोई क्या कर रहा है, दो मिनट बाद कोई कुछ करने लग गया। वो सिर्फ स्टार बॉय करता है। हाँ तो हम तो प्रॉपर कर रहे थे। इतना बड़ा वेट नहीं है स्टार बॉय ने, क्या कर रहा है इतना बड़ा वेट नहीं, तो क्या बोल रहे डंबल्स का, क्योंकि फेंकने पड़ गया वो डंबल और उसे फेंक दिए। क्या मेरे को ना मजा आता है फेंकने में, बचपन से फेंक रहा हूँ। हैबिचुअल है। वो ऐसे ही खा पी के अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत ही जल्दी जा रहे हैं, मतलब हार्डली हमें आधा घंटा ही हुआ है यहाँ पर आए, देखो बहुत जल्दबाजी हो रही जाने की। जल्दबाजी नहीं, दर्द हो रहा है। पी लेना कॉफी यार, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, गप्पे मार लेंगे। अभी ना स्टार बॉय का प्लान था, स्टार रिचा की वो भी यहीं आने वाले थे, फिर हम लोग को शूट करना था, बट उन्होंने एंड मोमेंट में धोखा दे दिया। हम यहाँ पहुंच गए और आधा घंटा उनका वेट भी करा तो आए नहीं। अब कह रहे ऐसा सा सीट उनकी एक्चुअली ना गाड़ी में हवा नहीं है टायर में, क्या कर सकते हैं यार, फोर्स भी नहीं कर सकते कि नहीं आओ। कोई निकाल देता है हवा, कोई निकाल देता है, कोई दुश्मनी होगा उसका शायद, खुद ही निकाल देता है लगता है। पी ले कॉफी, मेरे को तेरे साथ गप्पे मारने हैं। पी ले कॉफी, पी ले हम गप्पे मारेंगे। जितने भी चल लेंगे ना घर पहुंच जाएंगे टाइम से। चल बैठ चल। बहुत बदतमीज है यार, मतलब आधे घंटे के मुझे दूर आई थी सिर्फ। इस पागल ने मेरे मना करने के बावजूद भी देखो यहाँ बाइक चढ़ा दी है। नहीं है ये, बताओ इसकी हरकत। सभी इतने खुश है, फिर इसने कहा कि नहीं परी तेरे चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं चढ़ा देता हूँ बाइक, अब शायद उतरने की जगह नहीं है आगे। उतर रहे तक रहा है, चलने के लिए नहीं है बाइक के लिए बन गया ऐसा, मतलब उसका पर गलत बात है, आगे से मत करियो ऐसी हरकत। सॉरी बोल, सॉरी बोल। तुझे क्यों बोलूं, तू भी तो जल्दी घर जा रही है, तू जा रोड से आ जा, तू सबको सॉरी बोल, रोड से आ जाओ सारे आ जाओ। तो मैं चला रहा था, अब इसकी स्कूटी निकलवा दी मैंने घर आती, और मैंने बोला तू चला क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो गया पूरी तरह, शरीर में तो दर्द हो ही रहा था, पर बहुत देर से चला रहा हूँ बाइक को, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया मुझे। अब जा रहे हैं हम लोग डॉग फूड लेने मार्केट, क्योंकि वो गाड़ी में भी खत्म हो गया और घरों पे भी खत्म हो गया। तो हमने टोटल यहाँ से भी लिए हैं 8 पैकेट डॉग फूड हमारे स्ट्रीट डॉग्स के लिए, बिकॉज वो खत्म हो गए थे। वैसे हम ज्यादा चैपी वाला खिलाते हैं, बट वो नॉट अवेलेबल। हाँ भैया कह रहे बड़ी बेचे भैया, एक्सपायरी वगैरह चेक तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं। सब कुछ ठीक है ना? और ग्रेवी भी दे दो। ग्रेवी भी है तो नहीं, खत्म कर दी सारी, क्योंकि मैं ना हमेशा उनको डॉग फूड के ऊपर ना ग्रेवी डाल के देती हूं ताकि उनको मजा आए खाने में।